तो बेसिकली गाइस आप सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन तो गाइस आप लोग यूज करते होंगे, लेकिन इन सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है गाइस। दिक्कत ये होती है कि आप अगर इनमें अपने DP लगाने जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपके पास कोई इस तरह का फ़ोटो होगा जो फुल साइज़ का फ़ोटो होगा तो वहाँ पर गाइस आप जो इस तरह का फुल साइज़ का फ़ोटो गाइस अपने DP में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो गाइस यहाँ पर जो एक साइज़ का प्रॉब्लम आ जाता है। जब भी आप अपना DP लगाने जाएगा तो वहाँ पर जो एक स्क्वायर साइज़ का इमेज आप काट कर लगा पाएंगे, वहाँ पर क्रॉप करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर जो है आप जो है इस तरह का फुल DP वगैरह नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी कमाल का तरीका बताऊँगा, एक ऐसी कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू जो गाइस आप जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अपने DP अगर फुल फोटो लगाना चाहते होंगे तो लगा पाएंगे, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से, और वहाँ पर जो है आपको बहुत ही बढ़िया DP जो गाइस यहाँ पर आपको दिखाई भी देता है, ठीक है, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, और गाइस इससे पहले चैनल बनाया जाओ सब्सक्राइब करेगा वीडियो से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइस यहाँ पे आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, आप बात करते हैं कि आप जो है कैसे जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है गाइस यहाँ पे जो अपना फुल DP फोटो कैसे लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो सबसे पहले आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिए कि हमको किस फोटो को जगह इस यहाँ पे अपने DP में लगाना है फुल साइज में, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा कि आपको जो है सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर जो है एप्लीकेशन जो है इसको ओपन कर लीजिएगा, गूगल मान लीजिए, गूगल ही ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सर्च करना होगा क्रोम ब्राउजर, जैसे ही अपना एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना होगा अनक्रॉप, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना होगा क्या होगा आपको, अनक्रॉप करके सर्च करना होगा, अनक्रॉप AI फ्री, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो कैसे यहाँ पे जो आपको कुछ इस तरह का जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, साइड में आपको दिखाई देगा। अब वैसे यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे ये इस वेबसाइट को कैसे ओपन कर लेना होगा। आप जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेगा अनक्रॉप सर्च करेगा तो कैसे यहाँ पे इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना होगा। इस वेबसाइट के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, इसको आपको ओपन करना है, और जैसे ही गाइस ओपन करिएगा तो यहाँ पे जो इस वेबसाइट के इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लिक हियर टू पेस्ट और ड्रॉप अ फाइल एंड स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या करना होगा, सिंपली आपको जो उस फोटो को यहाँ पे गाइस सेलेक्ट कर लेना होगा जिस फोटो को गाइस यहाँ पे जो आपको DP में लगाना है, ठीक है, फुल साइज का जो भी फोटो होगा उसको आपको DP में लगाना है। तो वहाँ पे सबसे पहले इस फोटो को यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जैसे हम इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी वगैरह खुल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि अपना कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसको फोटो को भी आप अपना DP में फुल साइज में लगाना चाहते हैं, जैसे कि हमने जो कहीं यहाँ पे जो एक फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं मेरा फोटो जो है, ये अभी देख सकते हैं फुल साइज़ का फोटो है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको हमको DP में अपने लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है जैसे ही आप वहाँ पे अपना फोटो अपलोड करिएगा तो यहाँ पे कुछ आपका इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको जो गाइस यहाँ पे जो है एक साइज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे अभी कस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे जो है आपको जो साइज़ का, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अभी साइज़ दिखा रहा है कि कितना साइज़ है, और यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको क्या करना है कि कस्टम पर क्लिक करके और नीचे जो है गाइस यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्क्वायर करके, नीचे सबसे नीचे आपको स्क्वायर करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा कि स्क्वायर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब जैसे ही गाइस आप स्क्वायर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा, नेक्स्ट वाले बटन पर। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको कुछ सेकंड टाइम लगेगा, जैसे जितना आपका नेट का स्पीड अच्छा होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ सेकंड टाइम लगता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो मतलब इतना अच्छा से जो गाइस आपको जो है स्क्वायर साइज़ का एक फोटो क्रिएट करके दे देगा, और बिल्कुल लगेगा भाई नहीं कि ये फोटो जो है एडिट किया हुआ है, ठीक है। आप जो भी गाइस यहाँ पे जो फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी फोटो सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करना होगा, आपको स्क्वायर साइज़ को क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और सभी सोशल मीडिया जितने भी एप्लीकेशन हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सब पर जो है DP का फोटो जो है गाइस स्क्वायर साइज़ में ही लगता है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जब साइज़ को स्क्वायर साइज़ में क्लिक करके कोई भी फोटो अपलोड करिए, स्क्वायर साइज़ क्लिक कर लीजिए, वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो वेबसाइट है आपको जो एक स्क्वायर साइज़ का फोटो बना के दे देगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये फोटो हमको कैसे जनरेट करके देता है, ठीक है।
तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है गैस यहाँ पे जो इस वेबसाइट ने जो फोटो का रियल कुछ इस टाइप से दे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जो हमको रियल मिला है। और देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो फोटो जो है एडिट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको फोटो तो मिल गया, यहाँ पे सिंपली गैस ऊपर की तरफ जो आपको एक डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा होगा, ऊपर यहीं से गैस आपको यहाँ पे क्या करना है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप गए डाउनलोड पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो है आपका फोटो जो है आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए देख सकते हैं हमारा जो फोटो गाइस यहाँ पे गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करते हैं अपना जो है गाइस वहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करते हैं। व्हाट्सएप ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो फोटो हमने डाउनलोड किया है एडिट किया है वो गाइस यहाँ पे जो है फुल साइज में लगता है कि नहीं लगता है। तो सिंपली हम गाइस अपना वहाँ पे व्हाट्सएप ओपन कर लिए, उसके बाद व्हाट्सएप ओपन करने के बाद सिंपली हम चले जाते हैं गाइस यहाँ पे जो है सेटिंग में जाकर जो अपना प्रोफाइल फोटो गाइस यहाँ पे चेंज करते हैं। और देखते हैं गाइस यहाँ पे जो हम गाइस चले जाते हैं गैलरी में जाकर उस फोटो को लेते हैं जो फोटो हमने एडिट किया था। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे जो फोटो बिल्कुल क्रॉप करने का ऑप्शन नहीं रहे, जो हमने वहाँ पे साइज सेलेक्ट करके गाइस वहाँ पे फोटो एडिट किया था वही साइज आ गया। हम सिंपली क्या करते हैं डन पर क्लिक कर दें, देख सकते हैं हमारा फोटो जो है फुल साइज में लग चुका है। ठीक है, तो गाइस आप जो है इस तरह से जो है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर लगाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से जो है किसी भी फोटो को जो है गाइस यहाँ पे जो है स्क्वायर साइज में कन्वर्ट करके जो है उसको आप अपने DP में यूज़ कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो गाइस आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए हिंद, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है।